आदाब अर्ज है। MCN उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाजरीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। जेर जमीन पानी की सतह नापने और उसके तहफ्फुज़ के लिए जिला औरंगाबाद के हर ताल्लुके में नसब की गई एक खुदकार मशीन, मुतालिका इंतजामिया की तला। इत्मीनान बख्श बारिश न होने के सबब देही मकामात पर होने लगी है पानी की शदीद किल्लत, टैंकरों के जरिए पानी फराहमी का जोर पकड़ने लगा मतालबा। टू व्हीलर चलाते वक्त म्यूनिसिपल मुलाजमीन के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करार दिया गया लाजमी, हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों से 25 सितंबर से वसूल किया जाएगा जुर्माना, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। और मराठा रिजर्वेशन के मतालबे के बाद अब जोर पकड़ने लगा मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला, मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से हुकूमत और इंतजामिया पर डाला जाने लगा दबाव, मगर हुकूमत की बेहिसी बरकरार। अब खबरें तफसील से। नेशनल वाटर साइंस प्रोजेक्ट के तहत जिले में 9 मकामात पर जेरे जमीन पानी की सतह नापने की खुदकार मशीन लगाई गई है। आया रहे के रियासत के जेरे जमीन आबी जखीरों के तहफ्फुज़ और निगहदाश्त के लिए कौमी प्रोजेक्ट वाटर साइंस साल 2016 से आलमी बैंक के तआवुन से रूबा अमल लाया जा रहा है। इसके जरिए तकनीकी बुनियादों पर मुनहसर मंसूबे जिनमें जेरे जमीन पानी की जाँच, उनके तहफ्फुज़ और पैमाइश के लिए कुओं पर खुदकार और जदीद तर्ज की मशीन नस्ब की जाती हैं और मोबाइल वैन के जरिए पानी के ज़खायर की मालूमात इकट्ठा करने व इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी से लैस इन मराकिस को कायम करके बुनियादी मालूमात हासिल की जाती हैं। इसी प्रोग्राम के तहत हमारे ज़िले में भी फ़ी ताल्लुका एक के हिसाब से 9 ताल्लुकजात में जाँच के लिए बनाए गए कुओं पर ये खुदकार मशीनें लगाई गई हैं, जिनमें ताल्लुका पैठन, ताल्लुका फुलमरी के मकाम पाथरी, वजापुर के टुनकी, गंगापुर के साउंगी, खुलदाबाद के एलोरा, कन्नड़ ताल्लुके के शिरसगांव, सिल्लोड़ के डोंगरगांव और सोएगांव ताल्लुके के आमखेड़ा के नाम शामिल हैं। दूरदराज देही इलाकों में पानी की शदीद किल्लत शुरू हो चुकी है और ग्राम पंचायतों की जानिब से टैंकर शुरू करने का मतालबा इंतजामिया से किया जाने लगा है। ताल्लुका कन्नड़ के नाचनबेल व अतराफ के कई गांवों में पीने के पानी की किल्लत संगीन होती जा रही है। गांव को पीने का पानी फराहम करवाने वाले कुएं खुश्क होने के करीब हैं और कई गांवों में लंबे लंबे वक्फों से नलों का पानी दिया जा रहा है। पानी की शदीद किल्लत के पेश नज़र गाँव में पानी के टैंकर शुरू करने का मतालबा देही साकिनान और उनकी ग्राम पंचायतों की जानिब से इंतजामिया से किया जा रहा है। अफसरान बाला को इस सिलसिले में मकतूबों में मेमोरेंडम पेश किए जा रहे हैं। पानी की किल्लत और जेर ज़मीन पानी नीचे चले जाने के सबब बोरवेल सूख गए हैं और खेत तालाबों में भी पानी नहीं बचा है। दूध का धंधा करने वाले किसान अपने मवेशियों को भी पानी खरीद कर पिलाने पर मजबूर हो गए हैं। नाचनबेल ग्राम पंचायत के मेंबर किरण थोरात ने अपने जाती खर्च से गांव की झोपड़पट्टी के लिए टैंकर से पानी फराहमी का नज़म किया है। इसी तरह अपने घर के बोरवेल को भी रिफाहे आम्मा के लिए खोल दिया है। अलगज पानी के लिए गांव में हाहाकार मचने लगा है। इस जानिब इंतजामिया की तरजीही बुनियाद पर तवज्जो वक्त की ज़रूरत है, इस तरह का इजहार गांव वाले कर रहे हैं। कन्नड तालुक्यातील नाचनवेल येथील ग्राम पंचायत सदस्य मी किरण थोरात बोलत आहे। नाचनवेल परिसरातील गावांमध्ये भीषण पाणी टंचाई सुरुवात झाली असून गाव पाणी पुरवठ्याच्या विहिरीत तळ गाठला, त्यामुळे गावातील नळांना आठवड्याला पाणी येण्यास सुरुवात झाली आहे। विहीर अधिग्रहण करण्यासाठी विहिरींना पाणी पातळी कमी असल्याने प्रशासनाने टँकर सुरू करण्यात यावे अशी विनंती प्रशासनाला करीत आहे। म्युनिसिपल अफसरान व मुलाजमीन के लिए 25 सितंबर से टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। हेलमेट इस्तेमाल ना करने वालों से म्युनिसिपल इंतजामिया जुर्माना वसूल करेगा। ये इत्तला म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता रोज मुनाक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बतलाया कि टू व्हीलर इस्तेमाल करने वाले म्यूनसिपल अफसरान और मुलाजमीन के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है और हेलमेट इस्तेमाल न करने वाले म्यूनसिपल अफसरान और मुलाजमीन पर 25 सितंबर से जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने मजीद बतलाया कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन साबिक फौजियों पर इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर 2,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि दीगर अफसरान और मुलाजमीन से 1,000 रुपये वसूले जाएंगे।
उन्होंने ऐसा हुक्म क्यों दिया है इसकी वजाहत भी की है। अधिकारी हेलमेट न घालता जर आला त्याला 1000 रुपये आम्ही दंड वसूल करणार आहे, त्याचा आदेश काढलेले आहेत। आणि जर तो माजी सैनिक सुरक्षा रक्षक वॉचमॅन जर असेल तर त्याचा 2000 रुपये, कारण ते वर्दीवर असतो, कॉमन नागरिकांना नाही हे माझं। हां, आणि जे घेतलेले पैसे सर्व कर्मचारी कल्याण निधीमध्ये टाकले जातात, त्या ठिकाणचे वॉचमॅन 25-25। दलित पैंथर आठवले ग्रुप के खयाम को 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जिसके तहत गोल्डन जुबली ईयर मनाया गया और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनाकिद किए गए, जिसका इख्तितामी इजलास 16 अक्टूबर को आमखास मैदान पर रखा जा रहा है। ये तकरीब मरकजी वजीर रामदास आठवले की सदारत में मुनाकिद की जा रही है। ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। दलित पैंथर एक लड़ाऊ और जहाल मतवादी संगठन 1972 9 जुलाई को इस संगठना की स्थापना हुई थी और इस संगठना में थोड़े ही दिन में समाज में अच्छा काम किया, अन्याय अत्याचार के खिलाफ में लड़ाऊ आंदोलन खड़ा किया और आंदोलन के माध्यम से ये दलित पैंथर संगठना पूरे देश में बड़े पैमाने पर काम करती रही और इस संगठना का स्वर्ण महोत्सवी वर्ष हम मनाने जा रहे हैं। तो इस साल भर 9 जुलाई से तो 9 जुलाई 2023 इस वर्ष में आठवले साहब के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में इस सुवर्ण महोत्सव के प्रोग्राम लिए गए और समाज को एक दिशा देने का काम आठवले साहब के नेतृत्व में इस संगठना के माध्यम से किया गया है और इस संगठना का दलित पैंथर का सुवर्ण महोत्सवी समारोह मेलावा औरंगाबाद में यहाँ पर आयोजित किया गया है। संभाजी नगर में आमखास मैदान के ऊपर 14 अक्टूबर 2023 को इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपीआई के और केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री और दलित पैंथर के संस्थापक माननीय रामदास आठवले जी के हाथ से किया जाएगा और इस सम्मेलन की अध्यक्षता मैं बाबूराव कदम मैं करूंगा और इस वक्त प्रमुख अतिथि दलित पैंथर के संस्थापक और आंबेडकर चळवळी के गाढ़े अभ्यासक माननीय अर्जुन डांगड़े इस वक्त प्रमुख अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगे। उसके बाद में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजा बो सरोदे, उसी प्रकार दलित साहित्यिक प्राध्यापक ऋषिकेश कामले, प्रदेश सरचिटनीस गौतम सोनावने, ऐक्यवादी रिपाई के नेता दिलीप जगताप, हमारे यहाँ के नेता मिलिंद शेड़के, दौलत खरात, विजय सोनावने, पप्पू कागदे, ब्रह्मानंद चौहान आदि प्रमुख नेतागण प्रमुख अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इस सम्मेलन में संभाजीनगर में और मराठवाड़ा में दलित पैंथर की जब स्थापना हुई और 1972 तक तो कम से कम 1990 तक जिस कार्यकर्ताओं ने इस दलित पैंथर के संगठन में आक्रामक रूप में काम किया उनका यहाँ पर सत्कार हमारे अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदासजी आठवले इनके हाथों से किया जाएगा और सभी नेताओं को यहाँ पर हम निमंत्रित करने की कोशिश करेंगे। औरंगाबाद में सामाजिक संगठनों में काम करने वाले प्राध्यापक है, डॉक्टर है, शिक्षक है, सामाजिक कार्यकर्ता है, इनको भी हम निमंत्रित करेंगे और इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता सब काम को लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी ये कार्यकर्ता करेंगे और इस सम्मेलन में बड़ी तादाद से लोग 10,000 के करीब उपस्थित रहेंगे ऐसा आत्मविश्वास मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुस्लिम समाज को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हर सूबे में रिजर्वेशन दिया जाए, इसी तरह उनके तहफ्फुज के लिए ठोस कदम उठाए जाए, इस मतालबे पर भारतीय दलित पैंथर की जानिब से एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द किया गया।
भारतीय दलित पंथर के कौमी सदर लक्ष्मण भुतकर की क्यादत में आए वफद ने अपने मेमोरेंडम में बतलाया कि मरकजी व रियासती हुकूमतों की जानिब से कायम करदा मुख्तलिफ कमीशनों ने अपने रिपोर्ट में बतलाया है कि मुसलमानों की हालत नहायत ही पसमानदा हो चुकी है और उन्हें कौमी धारे से जोड़ने के लिए रिजर्वेशन दिए जाने की सिफारिश भी की गई है, मगर अब तक उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया गया, लिहाजा मुसलमानों को हर शोबे में रिजर्वेशन दिया जाए। इसी तरह ये भी बतलाया गया कि मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है, लिहाजा उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इस वफ्द में लक्ष्मण भुतकर, दशरथ कामले, सतीश राउत, समाधान कस्तूरे, सैयद हबीब, शेख सलीम, दिलीप पवार, नाजिमुद्दीन काजी और दीगर शामिल थे। रियासत महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज माशी, तालीमी और रोजगार के लिहाज से नहायत पिछड़ा हुआ और पसमानदा हो चुका है और 80% समाज की हालत नहायत खस्ता हाल है। लिहाजा मुसलमानों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए उन्हें 5% रिजर्वेशन दिया जाए। इस तरह का मतालबा मारूफ समाजी खिदमतगार शकीला पठान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पठान, आज पत्रकार परिषद घेण्याचा हा उद्देश आहे की मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळणे, मुस्लिम आरक्षण मिळण्याबाबत ही परिषद घेतली जात आहे, पण 17% आहे। कारण आज तुम्ही म्हणता स्कॉलरशिपचा विषय, आज बरेच मुलं आहेत की ते बाहेर गावून येतात, ते म्हणतात मॅडम आम्हाला स्कॉलरशिप नाही, ते माझ्याकडे सुद्धा कॉल येतात, बोलतात आकडेवारी। आता तुम्हाला माहिती आहे ना सध्याची परिस्थिती, बघा आज कसं आहे माहिती का, आज मुलं बाहेर गावून येतात, त्यांना स्कॉलरशिप नाही आहे, मिळाले तरी ते कशाच्या तरी फीसमध्ये काढून घेतात, नाही ह्याची फीस आहे त्याची फीस आहे। मग मुलांना शैक्षणिक दृष्ट्या जर बघितलं तर तो त्या ठिकाणी आहे ना खचत चाललेला आहे, त्याला कसं आहे आर्थिक सहाय्य नाही आहे। आणि जोपर्यंत मुलांना स्कॉलरशिप, त्याला शिक्षणाचं पूर्ण, मी काय म्हणते माहिती का, सगळं शिक्षण जर फ्री केलं तर काय बिघडणार आहे, सरसगट आरक्षण पाहिजे, संरक्षण बी पाहिजे, आम्हाला आरक्षण बी पाहिजे। कारण कसं आहे माहिती का, सध्याची परिस्थिती बघता की आम्हाला असं काळाची गरज आहे की आम्हाला आता सगळंच आरक्षण पाहिजे, त्यामध्ये आमचं शिक्षण येऊ द्या, राजकीय येऊ द्या, आर्थिक येऊ द्या किंवा शैक्षणिक येऊ द्या, आम्हाला सगळ्या प्रकारचं आरक्षण पाहिजे। मिसळ करण्याचं नाही आहे, कारण आता सध्याची परिस्थिती बघितली तर संरक्षण हे खूप महत्त्वाचं झालेलं आहे। शिक्षण जर असेल तर तुम्हाला संरक्षण बी पाहिजे, कारण आजची परिस्थिती एवढी बिकट आहे की बाहेर निघाल्यानंतर असं वाटतं की आम्हाला कोणी मारते काय, की आम्ही एवढे परेशान असतो की काय होणार आहे, काय होईल आता काय होईल। मग आम्हाला आज काळाची गरज आहे की शिक्षण पण पाहिजे आणि संरक्षण पाहिजे। शिक्षण असेल तो माणूस पुढं जाईल आणि संरक्षण असेल तर तो सेफ्टी राहील आणि त्याला समाधान वाटेल की नाही मी सुरक्षित आहे। बघा खरं जर म्हणलं तर ना सगळ्या गोष्टीची माणसाला गरज आहे, जसं अन्न वस्त्र निवारा तिन्ही मूलभूत गरजाची गरज असते ना, त्याप्रकारे माणसाला सुद्धा संरक्षण पाहिजे। राजकीय आरक्षण राजकीय असू द्या किंवा हे जे असू द्या, संरक्षण असू द्या किंवा शिक्षण असू द्या किंवा आर्थिक असू द्या, सगळ्या गोष्टीची माणसाला सध्या गरज आहे। बघा सर्वप्रथम मी राज्य सरकारकडे ही मागणी करणार आहे, राज्य सरकारने जर नाही दिली तर आम्ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे, तर आम्ही त्या केस, आता केसचं झालं तर आम्ही काय करू माहिती आहे का, सगळे जितके समाजामधले लोक आहेत त्यांनी मिळून आम्ही काय करू की एक सगळ्यांना सांगून एक मॅसेज देऊन की आम्ही ती कोर्टामध्ये लढाई लढू आणि आम्हाला ते 5% आरक्षण आम्ही घेऊ। वक्फ प्रॉपर्टीज के तहफुज के लिए आज से 6 साल कबल जो सर्वे शुरू किया गया था वो दोबारा से शुरू करवाया जाए और हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक सर्वे किया जाए, बशर्ते दीगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। ये इंतबाह तहरीक औकाफ कमेटी के सदर शब्बीर अहमद अंसारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया। उन्होंने सहाफियों को बताया कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का इदारा प्रॉपर्टीज के मामले में सबसे मालामाल है, मगर यहाँ के बदनीयत अफसरान की लापरवाहियों के सबब बेशतर वक्फ प्रॉपर्टीज पर नाजायज कब्जे हो चुके हैं, लिहाजा वक्फ प्रॉपर्टीज के तहफ्फुज के लिए आज से 6 साल कबल फरनवीस हुकूमत ने वक्फ प्रॉपर्टीज का दोबारा से सर्वे करवाने का हुक्म दिया था और तजर्बे के तौर पर 2 अजला जिनमें पुणे और परभनी शामिल थे इनका सर्वे शुरू किया गया था। ये सर्वे 2 माह में मुकम्मल किए जाने थे, मगर अफसोस कि यह सर्वे आज तक मुकम्मल नहीं हो पाए हैं। इस सर्वे के लिए हुकूमत ने 6 करोड़ रुपयों का फंड भी फराहम करवाया था, मगर सर्वे के लिए मुकर्रर करदा अफसरान ने यहाँ भी लापरवाही बरती और हुकूमत की गाइडलाइन को बालाए ताक रखते हुए
इमलाक का सर्वे करने की बजाय ठंडी छांव में बैठकर दफातर ही में इसकी रिपोर्ट बनाई, जिसकी वजह से वक्फ प्रॉपर्टीज़ का तहफ़ मुमकिन नहीं हो सका है। लिहाजा पुणे और परभनी अजला समेत पूरी रियासत में फिर से सर्वे शुरू करवाया जाए और ये सर्वे हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक करवाए जाएं। बसूरत दीगर तहरीक औकाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक औकाफ के सदर शब्बीर अहमद अंसारी, मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी, मुईन इनामदार, गुफरान अंसारी और अब्दुलअज़ीम भी मौजूद थे। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड का जो पहला सर्वे हुआ था वो सही नहीं हुआ था, और असल में हर 10 साल को सर्वे होना चाहिए। उसको एक ज़माना गुजर गया, सर्वे नहीं हो रहा था। हमने गवर्नमेंट को मजबूर किया और गवर्नमेंट तैयार हो गई। गवर्नमेंट ने उसके लिए पैसा भी मुख्तस किया है और डायरेक्शंस भी दी थी कि दूसरा सर्वे होना चाहिए, मगर हम बराबर उसका ताकुब कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे। मगर जानबूझकर के हमको ऐसा लग रहा है कि ये दूसरा सर्वे होने नहीं दिया जा रहा है। वजह लगती है क्योंकि उनको लगता है कि अब ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट के एकदम साफ वाजे तरीके से जो डायरेक्शंस सेटलमेंट कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर गुना और परभनी को दिए है, उस पर काम नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने तहरीक औकाफ ने सोचा कि अब ये यहाँ नहीं हो सकता है, इसके लिए हमको हाईकोर्ट में जाना होगा। इसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। हाईकोर्ट में बहुत जल्द से जल्द हाईकोर्ट का काम हमारा ट्रांसलेशन का चालू है, 2 से 3 महीने के अंदर हम हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर देंगे। एमसीएन दफ्तर पर गुज़िश्ता शाम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों गणेश जी की आरती करवाई गई। इस मौके पर इदारे के डायरेक्टर व चीफ एडिटर समेत दफ्तरी अमला मौजूद था। आया रहे कि हर साल की तरह इस साल भी एमसीएन न्यूज़ के स्टूडियो में गणपति की मूर्ति की स्थापना की गई है। रोज़ाना सुबह शाम शहर की मारूफ समाजी शख्सियात व अफसराने आला के हाथों आरती करवाई जाती है। गुज़िश्ता शाम की आरती म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों करवाई गई। बाद अज़ां एडमिनिस्ट्रेटर ने एमसीएन के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ साथ शहर की सफाई और खूबसूरती के फ़रोग और शहर के मसाइल, खुसूसन पानी फराहमी के देरीना मसले के हल के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर एमसीएन के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार, दुष्यंत पाटिल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दत्ता जाधव, एमसीएन न्यूज़ के चीफ एडिटर देव शेजुड़, संतोष खड़के, गणेश गुटे, निशिकांत देशमुख, रईस अहमद, केशव, सचिन और दीगर स्टाफ मेम्बरान भी मौजूद थे। सर्व छत्रपति संभाजीनगर वासियांना आणि सर्व गणेश भक्तांना मी जी श्रीकांत महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक सर्वांना मी गणेशोत्सवाचा खूप खूप शुभेच्छा देतो। मी गणपती बाप्पाला साकडे घालतो की आपल्या शहराचा सर्व चांगला व्हावा आणि आपल्या सकल समृद्धी व्हावा आणि विशेष करून पाणीचं या ठिकाणी पुढच्या गणपती येईपर्यंत सर्व पाणीचे प्रश्न मिटलेलं असेल असे मला आशा आहेत। आणि यासाठी बाप्पांना मी साकडे घालतो की त्यांनी सर्वोत्परी शक्ती आम्हाला द्यावा आणि जे विघ्न आणणारं लोकांना विघ्न आणणारे जे सर्व गोष्टींना दूर ठेवावी आणि जे बरेच वर्षापासून ह्या शहरासाठी जे रखडलेलं होतं ते आणि दुर्दैवी होते ते आज काही भागामध्ये 7 दिवस काही 8 दिवस असे पाणी आपण दिलं जातो। आणि मी बाप्पांना साकडे घातलं की पुढच्या वर्षी आपण येण्यापूर्वीच हा शहराचा पाणीचा प्रश्न बहुतांश मिटलेला असेल असे मला ठाम विश्वास आहे। आणि बाप्पांना अजूनही प्रार्थना करतो की या शहरामध्ये बरेच अशी गोष्टी आहे जे मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या निमित्ताने या ठिकाणी झालेल्या कॅबिनेटमध्ये आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या शहरासाठी विकास कामासाठी काही पैसे कमी पडू देणार नाही असेही सरांनी विश्वास दाखवलेला आहे। आणि सरांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की या सर्व विषयाचा पाठपुरावा लवकर करावा असे सर्व सांगितलेलं आहे। आणि मला खात्री आहेत की माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा शहर अजून काय पलट होणार आहे। आणि विशेष करून सर्व गणेश भक्तांना मी सांगू इच्छितो की यावर्षी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेप्रमाणे सर्व जे परवानगी दिलेले होतं हे पुढे 5 वर्षासाठी राहील। कुठलाही शुल्क जे आकारलं जाणार नाही, जे आकारलेलं आहे त्याला परत तुम्हाला मिळणार आहे। आणि मी सर्व गणेश मंडळांना विनंती करतो छोटे जे गणपती आहेत ते घरामध्येच विसर्जन करण्याची लोकांना सांगावा आणि जे काही निर्माल्य निर्माण होणार आहे हे सर्व आमच्या घंटागाडीसोबत एक हिरवी बॅग त्या ठिकाणी असणार आहे त्यामध्ये टाकावा आणि जनरल कचरामध्ये मिळून देऊ नये
आणि ज्या बाप्पांना आपण साकडे घालतो सर्व त्या ठिकाणी निर्माल्य निर्माण होतात आणि ते घंटागाडीमध्ये वेगळं जे हिरवी गोणीमध्ये आम्हाला देण्यात यावं आणि ते आम्ही रितसर त्याला खतामध्ये आम्ही रूपांतरण करू आणि विसर्जनच्या दिवशीसुद्धा ते कुठलंही गालबोट लागणार नाही ह्या निमित्ताने महानगरपालिका पूर्ण व्यवस्था केलेली आहे. यावर्षी आम्ही मूर्तीदानाचा आम्ही संकल्प करतो. जे काही गणपती आपण विसर्जन ना करता ते मूर्तीदान करावा जेणेकरून परत ते मूर्तिकारांना पुनर्वापर करू शकतो अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे आणि त्या बदल्यात आपण महानगरपालिकेच्या वतीने आपल्याला मूर्ती दिल्याबद्दल आणि त्या पर्यावरणाला रक्षा केल्याबद्दल आपल्याला प्रशंसापत्रही दिलं जाणार आहे. आणि विशेष करून कृत्रिम तलाव ह्या वर्षी नवीन नवीन भागामध्ये आपण निर्माण करतो आहे. शानूरमिया दर्गाच्या समोर असलेलं जे आपल्या महानगरपालिकेच्या जागा असेल आणि तसेच सर्व विहिरीचं त्या ठिकाणी खोलीकरण आणि सौंदर्यीकरण त्या ठिकाणी केलेलं आहे आणि कृत्रिम तलाव आपण निर्माण करून आणि त्या ठिकाणी गणपतीचं विसर्जन त्या ठिकाणी करतो आहे. आणि 5 फुटाची वरची जे गणपती आहेत ते सर्व कालेगाव ज्या ठिकाणी आपल्याला घेऊन जायचं आणि 5 फिटाची वरती आपण महानगरपालिकेमध्ये विसर्जन करत नाही हो आणि ह्या सर्व गणेश मंडळांनी नोंद घ्यावी. आणि परत एकदा ह्या 10 दिवस ज्या श्रद्धेने ज्या भावनेने आपण करतायत आणि आपण एक संकल्प करूया की हा शहर स्वच्छ सुंदर आणि सर्वांना आवडतं शहर असे निर्माण करायचं आणि आपसी मैत्रती आपण निर्माण करायची आहेत. आणि परत एकदा मी सर्व गणेश भक्तांना आणि छत्रपती संभाजीनगरवासियांना गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देतो. थांबतो. जय हिंद. मराठा कुणबी समाज के निजाम दौरे हुकूमत के दस्तावेज की तलाश में हैदराबाद गया स्क्वाड खाली हाथ लौटाया. आया रहे कि मराठा समाज को निज़ाम के दौरे हुकूमत में दिए गए कुनबी जात के सर्टिफिकेट की बुनियाद पर यकसां तौर पर रिजर्वेशन दिया जाए, निज मराठों को रिजर्वेशन दिया जाए, इस तरह का मतालबा समाज की जानिब से किया जा रहा है. हुकूमत ने दौरे निज़ाम के दस्तावेज़ ढूंढ निकालने की जंगी पैमाने पर कोशिश शुरू की और इसी के तहत डिविजनल कमिश्नरेट का एक स्क्वाड दस्तावेज़ तलाश करने के लिए हैदराबाद गया था. ताहम वहाँ मौजूद दस्तावेज़ की शनाख्त में ज़बान की दुश्वारियाँ और मानी अखज़ करने की शदीद दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं जिसके सबब इस स्क्वाड को कोई ख़ास मालूमात हासिल न हुई और ये स्क्वाड यूं ही खाली हाथ वो बैरंग वापस लौट आया. इस तरह की इतला जराए से मिली है. तालुका सिल्लोड के भराड़ी में किसानों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजरों को मतालबाती मेमोरेंडम पेश किए. बताया जाता है कि तालुके के किसानों के खातों पर तूफानी बारिशों की राहतों के फंड, वजीर आजम किसान सम्मान योजना, फसल बीमा जैसे मुख्तलिफ किस्म की इमदाद व अनुदान के फंड से पैसे तो जमा हो जाते हैं लेकिन बैंक के अफसरान ये रुकूम व इमदाद के पैसे किसानों से पूछे या उन्हें तला किए बगैर ही किसानों पर वाजिबुल अदा कर्ज की अदायगी की मद में जमा कर लेते हैं. किसानों का मतालबा है कि इस तरह की किसी भी राहत व अनुदान की रकम उनकी मर्जी व इजाज़त के बगैर कर्ज के खाते में जमा न की जाए. मौजूदा हालात में बारिश न होने के सबब किसान तो पहले ही नहायत परेशान हाल हो चुके हैं, मकरूज भी हैं. ताहम इन परेशान कुन हालात में भी उन्हें हुकूमत से मिलने वाली इमदाद और राहत दूसरे रास्ते से अगर जमा कर ली जाए या हड़प ली जाती है तो उनके दामन में सिवाय मायूसी के कुछ ना पड़ेगा और वो खुदकुशी पर मजबूर होंगे. इस तरह की वजाहत के मेमोरेंडम भराड़ी के किसानों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र बैंक के ब्रांच मैनेजर्स को पेश किए हैं. इस मौके पर कसीर तादाद किसान मौजूद थे. आज भराड़ी या ठिकाणी यूनियन बैंक या शाखेमध्ये जाऊन या ठिकाणी शाखा व्यवस्थापक साहेब यांना अशी विनंती करण्यात आली की कुठल्याही प्रकारचं PM मोदी साहेबांची सन्मान योजनेचे पैसे असू द्या, अतिवृष्टीचे असू द्या, कुठल्याही समजा पीक विम्याचे असू द्या, अन्य कुठलंही अनुदान असेल ते अनुदान यांनी बँकेने कर्ज खात्यात वर्ग करू नये या मागणीसाठी आम्ही या ठिकाणी भराडीमधून शाखा व्यवस्थापकांना एवढीच विनंती आहे की आपण या ठिकाणी शासन शेतकऱ्यांना कुठंतरी मदत व्हावी यासाठी त्यांना हे शासकीय कुठलंही अनुदान देण्यात येत आहे तरी ते अनुदान आपण कुठल्याही कर्ज खात्यात वर्ग करण्यात येऊ नये अशी आम्ही त्यांना एक पत्र देऊन निवेदनाद्वारे विनंती केली. व बाजार सांगी ग्रामपंचायतने गाव के सरकर्दा व मामर साकिनान का एजाज व इस्तकबाल किया. इस सरगर्मी के तहत मुनक़िद इस्तकबालिया प्रोग्राम की सदारत गाँव के सरपंच अप्पा राव नलाड़े ने की.
गांव की तरक्कियात को लेकर गांव के मुअम्मर व तजुर्बाकार बुजुर्गों की रहनुमाई व हिदायत हमेशा ही कारगर साबित होती रही हैं। इस तरह के ख्यालात का इजहार भी इस मौके पर सरपंच ने किया है। 70 बरस व उससे कम जायद उम्र के कमोबेश 50 बुजुर्गों को शाल व नारियल पेश करके उनके इस्तकबाल किए गए। इस तकरीब में नायब सरपंच कारभारी नलावड़े, देही तरक्याती अफसर आसाराम बंसोड़े, साबिक सरपंच वसंतराव नलावड़े, पुलिस जमादार नवनाथ कोल्हे, ज्ञानेश्वर नलावड़े, पुंजाजी नलावड़े, तंटा मुक्ति सदर प्रकाश नलावड़े, चांद खान पठान, शिवाजी काटकर, फखरुद्दीन अतार, आनंदा काटकर और दीगर साकिनान तकरीब में शरीक थे। सिडको पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से जारी लॉटरी सेंटर्स पर छापा मारा। ताहम पता चला है कि ये लॉटरी सेंटर्स एक बड़ी सियासी पार्टी के नेता की हिमायत से चलाए जाते हैं। सिडको पुलिस थाना हदूद में सिडको ही के इलाके में पुलिस ने इन दो गैर मजाज लॉटरी सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। ये सेंटर्स एक बड़ी सियासी जमात के नेता के हैं, इस तरह के चर्चे सुने जा रहे हैं। इसी तरह इन लॉटरी सेंटर्स से मुतालिक विधान परिषद के हिजब इख्तलाफ के रहनुमा अम्बदास दानवे ने भी ये मसला उठाया था, इस तरह के भी तस्करे हैं। पुलिस की कार्रवाई में सिडको NA और पीसा देवी के एक सेंटर का शुमार है। इतलात हैं कि मुलजिम गैर कानूनी तरीके से लाभ लक्ष्मी नामी लॉटरी का सॉफ्टवेयर बनाकर मुतालिका इंतजामिया की इजाज़त के बगैर ही ये धंधा चला रहे थे। इस कार्रवाई से मजकूरा सियासी लीडर के मुश्किल में फंसने के इम्कान जताए जा रहे हैं। बोरगांव बाजार तालुका सिल्लोड में गैर कानूनी धंधों के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई में छोटी मछलियां तो फंस गई, लेकिन गैर कानूनी धंधों के बड़े सरगने फरार हो गए। पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों गैर कानूनी जुए, मुंबई कल्याण मटका और दो गैर कानूनी देसी दारू की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। ये कार्रवाई SDPO के अमले ने की, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान बाकी मानदा 5-6 गैर कानूनी धंधों के सरगने फरार हो गए। की गई कार्रवाई में गांव के बस स्टैंड इलाके में गैर मजाज देसी दारू फरोख्त करने वाले किशोर पांडुरंग भिसे की दुकान पर SDPO के स्क्वाड ने छापा मारकर वहाँ से 10,800 रुपये की कीमत की 180 ml की देसी दारू की बोतलें तो जब्त कर ली, ताहम भिसे फरार हो गया। दूसरी कार्रवाई में भी शराब बेचने वाला जितेंद्र शांतिलाल जायसवाल, जो शराब बेच रहा था, लेकिन पुलिस की आमद का एहसास होते ही वो शराब का सारा माल छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने इन तमाम के खिलाफ मुतालिका कवानीन के तहत मामले दर्ज कर लिए हैं। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह नापने और उसके तहफ़ुज़ के लिए ज़िला औरंगाबाद के हर ताल्लुक़े में नस्ब की गई एक खुदकार मशीन, मुतालिका इंतज़ामिया की तला। इत्मीनान बख्श बारिश न होने के सबब देही मकामत पर होने लगी है पानी की शदीद किल्लत, टैंकरों के जरिए पानी फराहमी का जोर पकड़ने लगा मतालबा। टू व्हीलर चलाते वक्त म्यूनिसिपल मुलाजमीन के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करार दिया गया लाजमी, हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों से 25 सितंबर से वसूल किया जाएगा जुर्माना, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। और मराठा रिजर्वेशन के मतालबे के बाद अब जोर पकड़ने लगा मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला, मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से हुकूमत इंतजामिया पर डाला जाने लगा दबाव, मगर हुकूमत की बेहिसी बरकरार। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।